गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट के नेक्स्ट टॉपिक की। टॉपिक है हमारा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल टू दी टेंजेंट। लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पोल टू द टेंजेंट, हिंदी में ध्रुव से स्पर्शी पर डाले गए लंब की लंबाई। Let OX be the initial line and R equals to F theta be the given curve। मान लेते हैं हम R equals to F theta कोई दिया गया वक्र है हमारा, ये हमारा वक्र है R बराबर एफ थीटा और इस पर कोई पॉइंट है P एंड P बी एनी पॉइंट P R थीटा बी एनी पॉइंट ऑन इट। तो P हमारा कोई पॉइंट है R थीटा ऑन द कर्व, इस P को हम O से ज्वाइन कर देते हैं तो ये हमारा रेडियस वेक्टर है, ये थीटा है। P पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, और O से इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं M। लेट P O M इज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट फ्रॉम दी पोल। ओ, इस बिंदु O से हमने OM एक इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया या लंब डाल दिया, जिसको हम मान लेते हैं स्मॉल p। OM इक्वल्स टू स्मॉल p, ये हमने मान लिया कि OM इक्वल टू क्या है स्मॉल p। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम पी, एंगल ओ एम पी इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ओ पी एम इक्वल टू 5, क्योंकि हम जानते हैं कल हमने बात की थी स्पर्श रेखा और जो रेडियस वेक्टर है अर्थात ध्रुवांतर रेखा है उनके मध्य का कोण जो होता है वो 5 होता है। तो ये एंगल हमारा 5 है। ओ एम अपॉन ओ पी, चूंकि ओ पी बराबर क्या है आर, तो ओ एम अपॉन ओ पी कैपिटल है ये, इक्वल टू साइन फाई परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस या लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण बराबर साइन फाई। तो यहां से हमें मिलेगा ओ एम इक्वल्स टू ओ पी साइन फाई। ओ एम की वैल्यू है हमारी स्मॉल पी एंड वॉट इज ओ पी, ओ पी इज आर, सो इट इज ओ पी इक्वल टू आर साइन
phi. So this is the relation between P and R and phi, and this is the value of P, the length of the perpendicular from the pole to the tangent. Small p जो है हमारा वो लंब की लंबाई है, ध्रुव से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, और उसका फॉर्मूला है P इक्वल टू आर साइन फाई. अब इसको हम दूसरे फॉर्म में देखते हैं. वी नो दैट फ्रॉम द प्रीवियस टॉपिक टेन फाई इक्वल्स टू, कल पढ़ा था हमने, टेन फाई इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर. दैट इंप्लाइज कॉट फाई इक्वल्स टू वन अपॉन आर डी आर बाई डी थीटा. दिस इज इक्वेशन नंबर वन, दिस इज इक्वेशन नंबर टू. सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू वी कैन राइट पी इक्वल्स टू, और वी कैन राइट इट एज 1 upon p square equal to 1 upon r square cosec square phi by taking the reciprocal of this and squaring this. So 1 upon p square equal to 1 upon r square cosec square phi, or we can write it as 1 upon r square 1 plus cot square phi by trigonometric formula, or it is 1 upon r square. Now substitute the value of cot phi in this relation, we will get 1 plus 1 upon r square dr by d theta whole square. Ab 1 upon p square equals to 1 upon r square multiplying this plus 1 upon r raised to power 4 dr by d theta whole square. This is another result of value of p. p का एक अन्य रूप है, एक तो है p equal to r sin phi, और दूसरा रूप है हमारा 1 upon p square equal to 1 upon r square plus 1 upon r raised to power 4 dr by d theta whole square. तो ये हमारे दो फॉर्मूले हैं p को ज्ञात करने के. इसके बाद हम बात करते हैं पैडल इक्वेशन की, पदिक समीकरण क्या होता है. हिंदी में कहते हैं पदिक समीकरण, जो हमारे चैप्टर का नाम भी है. व्हाट इज पैडल इक्वेशन? तो डेफिनेशन है इसकी, ए रिलेशन इन पी एंड आर is known as pedal equation of a curve. किसी भी वक्र की P और R में जो संबंध होता है, किसी वक्र का P और R में जो संबंध होता है, उसे हम वक्र का पदिक समीकरण कहते हैं. अब किसी भी वक्र का पदिक समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं उसकी बात करते हैं. टू फाइंड द पैडल इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व किसी दिए गए वक्र की पदिक समीकरण किस प्रकार ज्ञात करते हैं. तो हाउ टू फाइंड द पेडल इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व, वी हैव टू कंडीशंस. पहला केस है व्हेन द इक्वेशन ऑफ कर्व इन पोलर फॉर्म. जब वक्र का समीकरण
ध्रुवीय रूप में हो, तो ध्रुवीय रूप में मतलब आर और थीटा की फॉर्म में हो, तो लेट द इक्वेशन ऑफ द पोलर इक्वेशन ऑफ द कर्व बी एफ ऑफ आर थीटा इक्वल्स टू जीरो, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, लेट ए एंड वी नो दैट बाय द प्रीवियस फॉर्मूला वन अपॉन पी स्क्वायर इक्वल्स टू वन अपॉन आर स्क्वायर प्लस वन अपॉन आर इज पर फोर डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर, इट इज इक्वेशन नंबर टू. सो बाय eliminating theta from equation A and B, we get the relation between P and R, that is the paddle equation of the curve. तो यदि किसी वक्र की समीकरण ध्रुवीय रूप में होती है तो उस कंडीशन में हम, ये हमारे वक्र की समीकरण है एफ आर थीटा इक्वल टू जीरो, और ये हमारा मानक सूत्र है वन अपन आर पी स्क्वायर इक्वल टू वन अपन आर स्क्वायर प्लस वन अपन आर स्क्वायर फोर डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर. इन दोनों सूत्रों से, ए और बी इक्वेशन से, हम थीटा को एलिमिनेट कर देते हैं, विलोपित कर देते हैं ए और बी से. ये बी है हमारी, जो बी इक्वेशन है, ए और बी से हम थीटा का विलोप करके और आर और पी में या पी और आर में संबंध ज्ञात कर लेते हैं, और उस संबंध को हम क्या कहते हैं, पदिक समीकरण कहते हैं. तो यदि कोई समीकरण ध्रुवीय रूप में है तो उसका पदिक समीकरण इस प्रकार से ज्ञात करते हैं. सेकंड मेथड है हमारा, सेकंड फॉर्म है, व्हेन द कर्व इज इन कार्टेशियन फॉर्म. सेकंड टाइप का जो है वो है व्हेन द इक्वेशन ऑफ कर्व इज इन कार्टेशियन फॉर्म. जब वक्र का समीकरण कार्तीय रूप में हो, तो जब वक्र का समीकरण कार्तीय रूप में है तो उसका पदिक समीकरण किस प्रकार से ज्ञात करते हैं. लेट द इक्वेशन ऑफ कर्व बी एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो. माना कि वक्र का कार्तीय समीकरण एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो है. ये समीकरण नंबर हमारी फर्स्ट है. वी नो दैट आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड. ये हमने जो पोलर कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जब रिलेशन देखा था तो ये वही समीकरण है. आर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इसके बाद पी किसी पोल जो हमारा है जीरो जीरो, द
परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल टू इक्वेशन नंबर वन, उस दिए गए वक्र की जो टेंजेंट है, टेंजेंट की इक्वेशन हम जानते हैं, टू दी टेंजेंट जो हमारा स्पर्श रेखा है उस पर ध्रुव से डाले गए लंब की लंबाई। तो स्पर्श रेखा का समीकरण हम जानते हैं y माइनस y1 वन इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स वन वाई वन एक्स माइनस एक्स वन। तो हम इसको कैपिटल y मान लेते हैं, इसको स्मॉल y, कैपिटल x और ये x, इसको एक्स वाई कर देते हैं। अब यदि हम मूल बिंदु से इस पर लंब की लंबाई ज्ञात करते हैं तो P इक्वल्स टू फॉर्मूला है हमारा x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन अंडर रूट वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। हम चाहे तो निकाल भी सकते हैं इसको, पहले इसको लिख देते हैं y इक्वल्स टू y प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस स्मॉल एक्स, और जब हम इसको मूल बिंदु से इस पर लंब डालेंगे तो मूल बिंदु से लंब की लंबाई का सूत्र होता है हमारा P इक्वल्स टू जीरो माइनस या डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स, और ये y वहाँ तो माइनस y अपॉन अंडर रूट वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। ये हमारा स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई जो हमने क्लास ट्वेल्थ में पढ़ा था। तो इक्वेशन वन टू और थ्री, फ्रॉम वन एलिमिनेटिंग x एंड y, फ्रॉम वन टू एंड थ्री वी गेट पैडल इक्वेशन। समीकरण एक दो और तीन से x और y को विलोप करने पर हमें क्या मिलेगी, समीकरण जो है उसका पदिक रूप प्राप्त हो जाएगा। कल हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, किसी भी वक्र की पदिक समीकरण किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। थैंक यू वेरी मच।